अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और मैं कर रही हूँ जी काम। आज के ब्लॉग काम से शुरू। ये देखो मैं सफाइयाँ कर रही थी, तपड़ी धो रही हूँ। मैं पापा की परी थी कहते हैं कि मैं पापा की परी थी, ठीक है ना। सारी बेटियाँ पापा की परियाँ होती हैं और बाद में एक कहते हैं देव आता है, वो उन परियों को ले जाता है। मेरा भी एक देव आया था, वो पापा की परी को ले गया और बाद में उसके ही हालात हुए, ठीक है। मैं कर रही हूँ सफाइयाँ सफाइयाँ और किचन विचन भी साफ़ कर लिया है मैंने, ठीक है, सारा साफ़ कर लिया। भांडे भूडे मैंने धो लिए, मैं ये दो तीन रह गए थे भांडे ही बस, ये मैंने फ्रिज में से निकाले तो बाकी मैंने धो डाल लिया है। किचन भी धो लिया है, सफाइयाँ कर ली हैं और अभी मैं बैठने लगी हूँ, वो सॉरी बैठने लग गया अभी मैं ज़रा तपड़ी छपड़ी लगाने लगी हूँ, ठीक है। बाद में आप लोगों से मिलती हूँ, पापा की परी की स्टोरी सुनाती हूँ। एहसान चले गए आज चार दिन के बाद ऑफिस और मैंने कहा चलो जी सफाइयाँ सफाइयाँ कर लें। मेरी भी परी सोई हुई है, वो भी अपने पापा की परी है और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, हवा चल रही है ज़बरदस्त सी, ठीक है। सुहानी सुहानी हवा, सुहाना सुहाना मौसम आ गई है, बस रुत चेंज हो गई है, सर्दियों की आमद आमद आने वाली है इंशाल्लाह। अल्लाह ख्याल रखे। धूप बड़ी अच्छी लग रही है, सब फीकी फीकी धूप आई हुई घर के अंदर, कमरे के अंदर। अभी एक पापा का परा गया है यानी कि मेरा बंदा हो गया ऑफिस, तो अभी ठहर के काम शाम करके फ़ोन करती हूँ उनको भी, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर बाद में काम के बाद। पापा की परी काम कर ले, ठीक है। पापा की परी सफाइयाँ कर रही बैठी, ये देखो पापा की परी तो नहीं बैठी सही, मैं भी अपने पापा की परी थी, वो भी काम करती सोई भी। देखा बेटा ऐश करो, माँ बाप के घर में ही ऐश होती है, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है ऐश तो मैं भी कर रही हूँ, काम तो नहीं ज़रूरी है घर के, लाजमी है। चलें जी सफाइयाँ सफाइयाँ कर ली मैंने, ये देखो जी मैंने कैसा लश लश साफ कर दिया है बेसन। जब तक ये साफ ना मुझे सुकून नहीं आता। अब जा रही हूँ मैं नाश्ता वाश्ता बनाने हादी के लिए, हादी उठ गया हुआ है उसका नाश्ता बनाने लगी, और बेचारा उठते ही वो भी पापा का प्रिंस पानी भरने चला गया। पापा की बेटी ने काम शाम कर लिए है तो, और वह पापा की बेटी रोटी पकाने लगी है अपने प्रिंसेस और प्रिंस और प्रिंसेस के लिए, ठीक है। नाश्ता वाश्ता बनाने लगी, भांडे मैंने जो थे वो धो दिए, देख लो, ठीक है। चलो जी अब करते हैं रोटी की तैयारी अपने पुत्र के लिए, तो बेचारा उठते ही पानी लेने चला गया। मैंने कहा पानी ले आओ, फिर पता कोई नहीं लाइट भी चली जाती है ना। मैं और हादी कर रहे हैं जी नाश्ता, और नाश्ता कैसे कर रहे हैं हम जी, ये है हरे धनिए की और अनारदाने की चटनी दही, और ये है जी इमली की चटनी, ये है हादी के पराठे, और वह है मेरी रोटी, और यह है हमारा पानी, ये है पहना डोल, और वह है पैसे 50 रुपए जो मैंने सुबह एहसान से निकलवाए हैं ज़बरदस्ती कह रहे थे नहीं है मेरे पास, मैंने कहा देखे जाओ दूध लेने आना, दूध ले लिया था फिर मैंने, मुझे 150 रुपए दे के गए थे, फिर 20 रुपए थे नहीं, कह रहे 50 रुपए ले लो, ठीक है। चले जी हम नाश्ता करते हैं, ये हमारा परा एहसान का परा है ये प्रिंस, ये भी नाश्ता कर रहा है, ठीक है। बाद में मिलती हूँ आपसे, फिर एक मज़े की बात बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़ नहीं नहीं जाना नहीं, अल्लाह हाफिज़ इसलिए कर रही हूँ कि सिर्फ ब्रेक आई है। पापा की परी आज तो शुगर ही हो रहा है, लहसुन बनाएगी, ठीक है, लहसुन बनाऊँगी। लहसुन खत्म हो गया पिसा हुआ, अदरक खुश्क हो गया था, ये ऐसा बिल्कुल और ही खुश्क हो गया, मैं लैदा निकाल देती हूँ, तो छील के रख देती हूँ लहसुन भी, अदरक भी खत्म हो गया है, और दोपहर के बज रहे हैं जी 3:15, और बस हांडी की तैयारी करेंगे, वो भी बना लूँगी, इसके बाद हंडिया शंडिया पक जाएगी, ठीक है। तो आज पापा की परी कितने काम कर रही थी, और ये देखो ये वेले हैं। हेलो हादी, हाय, वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा सुबह से उठा हुआ, जब से काम में लगा हुआ है, अब इसने एकेडमी जाना है,
ठीक है ना, हे, एकेडमी जाओगे, ठीक है। चलो जी मैं अब करने लगी हूँ, लहसुन छीनने लगी, बच्चे भी मेरे काम कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं, उन्हें भी लगाया हुआ मैंने। ठीक है, आप अपने अब्बा के शहजादे शहजादियाँ, मैं अपने अम्मा अब्बा की शहजादी लहसुन छीन लूँ। मैं बनाने लगी हूँ अब बच्चों की फरमाइश पर सेवइयों का जरदा, एक पैकेट का बनाऊंगी, एक पैकेट के बना लूँगी बस। बच्चे कह रहे थे हसीब ज़्यादातर मीठे का बहुत शौकीन है, मेरे वाला ही हाल है उसका भी, कह रहे जी अम्मा जी ये सेवइयों का जरदा बना के दो। मैंने कहा अच्छा जी, मीठा नहीं बना रही हो आप, कितने दिन हो गए। मैंने कहा सही है, बना देती हूँ बेटा। गई है जी, सेवइयों का जरदा बना लिया है मैंने, और अब बनाऊंगी हांडी। इसमें मेवे शेवे कोई नहीं डाले, क्योंकि मेवे मैंने मंगवाए कोई नहीं थे, महंगाई बड़ी है जी, मेवे खाए गए सेवइयों का जरदा का मजाक है, हंस रहे हैं, क्या करें, ज़िंदगी जीना इसी का नाम है। ठीक है, मेरे भी ना यहाँ पे, मैं भी सोफे पे लेटी ना, मेरे भी मसला हो गया गर्दन में, फिर ये मैंने बना दी है, खा लो, बहुत मज़े की बनी। वो लकड़ियाँ जला रही होंगी सामने वाले। आज पापा की परी बनी हुई थी मैं, आज मैं पापा की परी बनी हुई थी, क्यों? काम कर रही थी ना इसलिए। ये हैं जी पापा की परी इस वक्त तो, जो आराम से उठी हैं और उठ के नहाई धोई अपने, वो रोटी भी मिल गई उन्हें, सेवइयाँ भी बनी हुई मिल गई, अब वो फिर पंडे बैठ जाएंगी। ये हैं पापा की परी आज, आज कल इंशाल्लाह, ये अल्लाह ताला कुल की बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ये भी एक नीचे पापा की परी रो रही है ये भी पापा की परी है। तो ये जी पापा की सारी बेटियां परियां ही होती हैं भाई, बेटे शहजादे होते हैं, बेटियां परियां होती हैं। है पापा की परी, कल आपका नहीं जुमेरात को आखिरी सेकंड लास्ट है, शुक्र है अल्लाह के पेपर ख़त्म हुए, मेरी जान में सुकून आ जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, अब अल्लाह इजाज़त मांगे लोगों से लोगों मुझे इजाज़त दे दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।